हमने आपको पिछले वीडियो में पेपर कटिंग और ब्लाउज कटिंग सिखाई थी, अब हम उसको सिलना सिखाएंगे। ये हमारा फ्रंट आगे का भाग है, दो आगे का एक हुक हाई हुक वाला और एक हाई वाला दोनों भाग है। इस पर हम टक्स के निशान लगाएंगे। ये हमारी पेपर कटिंग है, इसी को हम इस पे लगाएंगे। इस तरीके से इसको बिछाएंगे। अब हम इसमें डॉट्स पे पेन से निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इसके बाद चॉक से लगा लेंगे। ये हमारे निशान हो गए। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ छाप लेंगे। ये दोनों तरफ आ गए हैं। अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे। इधर आधा इंच सिलाई में लेंगे। इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाएंगे। फिर ये दूसरे टक्स पे भी ये थोड़ा कम लेंगे। आधा इंच से थोड़ा सा कम।
ये तीसरा टक्स, ये चौथा टक्स, ये हमारे चारों लग गए। ऐसे ही हम दूसरे भाग में भी लगा लेंगे और अब पीठ पे लगाएंगे, बैक साइड पे। साढ़े चार इंच की लंबाई का लगाएंगे, इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, लंबा भी लगा सकते हैं, पर साढ़े चार, चार इंच तैयार बैठ जाएगा। और चौड़ाई भी चार इंच, मतलब शोल्डर से बीच के हिस्से, इस तरीके से। ये भी आधा आधा इंच, ये पीछे के हिस्से में हमने टक्स लगा दिए। अब हम आस्तीन में ये हमारी स्लीव से आस्तीन में, इसमें हम पहले पाव इंच सिलाई लगाएंगे, फिर इसमें एक एक इंची फोल्ड करने का। इसमें हम तुरपाई करेंगे, मशीन भी लगा सकते हैं, इसमें हम ऑल पिन लगा के तुरपाई करेंगे। इस तरीके से पिन लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, ये इस तरीके से हम लगा लेंगे। दूसरी आस्तीन में भी कर लेंगे। और अब हम जो आगे के भागों में टक्स लगाए थे वहाँ पे हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे।
ये हमारी ये इस तरीके से लगाएंगे। ये अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे, हाई की पट्टी लगाएंगे। हुक की हमने लगा ली है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इधर किनारे इसलिए इसको फोल्ड नहीं करेंगे। ये ज्यादा है तो उसे काट दीजिए। और इन दोनों भागों को मैच करके देख लीजिए कि टक्स सही जगह आए। जैसे ये ज्यादा है तो इसको कट कर दीजिए और नीचे से भी। ताकि ये बराबर आएगा तो फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए टक्स से टक्स मिल रहा है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। डबल सिलाई कर लेंगे। अब हमें गले की पट्टी लगानी है। उसके लिए पहले उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, उसमें ऐसी रेप की पट्टी काटेंगे। एक इंच चौड़ी
इसको हम जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई। अब इसमें हम एक तरफ से पहले फोल्ड कर लेंगे। अब हम ब्लाउज में लगाएंगे। ये हुक की पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इसको ज़्यादा खींच के नहीं लगानी है, थोड़े लूज करते करते ढीले हाथ से लगानी है, ज़्यादा खींचना नहीं है। पाइपिंग होती तो उसको थोड़ा खींच के लगाते। इसमें हम तुरपाई करेंगे।
से थोड़े कट के निशान लगाएंगे ताकि उसमें सल नहीं आए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। ये हमारी पट्टी लग चुकी गले की। अब हम आस्तीन लगाएंगे जिसमें हमने तुरपाई पहले ही कर ली है। ये देखिए तुरपाई। अब इस तरीके से आस्तीन लगाएंगे। आगे और पीछे की बगल होती है तो आगे की बगल को हमें आगे ही लगाना है। डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरी आस्तीन लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स है। अब आगे की बगल है जो उसको आगे की ही तरफ लगाना है और पीछे की बगल को पीछे। ये आगे इस तरह से। डबल सिलाई करेंगे। अब हम इसमें आपको सिलाई गुम करना बताएंगे। ये ब्लाउज हमारा सीधा है। पहले इसमें हम
आधा इंच सिलाई लगा लेंगे सीधे में ही इस तरीके से। आपकी सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए आस्तीन की। ये दोनों तरफ हम ऐसे लगा लेंगे। इससे क्या है आपके धागे नहीं दिखेंगे। इसके बाद हम इसमें पहले कमर पट्टी लगाएंगे और फिर फिटिंग की सिलाई बाद में। ये हमारी कमर पट्टी है। इसमें हम पहले फोल्ड कर लेंगे इसको एक तरफ से। सीधे में लगाएंगे पहले। ये आगे का हमारा इस फोल्ड करके लगाएंगे हम इसको। पट्टी को फोल्ड करेंगे। टक से के यहाँ हम एक थोड़ा छोटा सा सेल कर देंगे ताकि वो फोल्ड करने में अच्छे से आ जाए। एकदम हल्का सा दूसरे टक्स में भी। इसमें ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम उसको ऐसे ब्लाउज को उल्टा करके जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसको आधा इंची ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि उसका मुंह दिखेंगे नहीं।
कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए हमारे धागे नहीं दिख रहे हैं, अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से इस तरीके से बिछाएंगे। हमारी चेस्ट है 32, तो हम 16 रखेंगे। 16 पे इधर 1 इंच और इधर 1 इंच, और फिर देखेंगे 16, और फिर हम कमर में लगाएंगे। कमर है हमारी 26, तो 1 1 इंच फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। और हमारे आस्तीन के बॉटम है 12, तो उसका आधा 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ब्लाउज हो गया है, अब इसमें हुक्काई और तुरपाई करेंगे। ये हम इसमें तुरपाई करेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम पूरे गले में कपाई कर लेंगे। उसके बाद यह हुक पट्टी में भी तुरपाई कर लेंगे और एक कमर की पट्टी में भी तुरपाई कर लेंगे। ये हमने तुरपाई कर ली है ब्लाउज में। अब हम हुकाई लगाएंगे। उसके लिए पहले हम निशान लगाएंगे, पहले ऊपर नीचे फिर एक एक इंच के। थोड़े गाढ़े हो तो इसको ही हुक पट्टी पे ऐसे करके ये लग गए। अब हम हाई बनाएंगे। पहले इधर से ऐसे और उसके बाद इसके अंदर से एक नॉट बनेगी। इसे नॉट बनाते जाना है इसके ऊपर। ये हम डबल धागे में कर रहे हैं, चौबल धागे में भी कर सकते हैं। ये हमारा हाई बन गया है। ये देखिए इसमें हम पीछे नॉट बांध लेंगे। अब हम हुक लगाएंगे। ये हमारे निशान लगे हुए हैं। इसको इस तरह से रखना कि ये बाहर ना निकले।
इसके पूरे राउंड में हमें ऐसे ही करना है। दूसरी तरफ भी ऐसे इसके यहाँ से दो तीन बार फिर इसके सिर के ऊपर से और बाद इसके ताकि हिले नहीं हो। बस ऐसे हमें टाक लेना है इसमें हुक। ये हमारा टक गया है हुक। ऐसे ही बाकी के हुक भी टाक लेना है। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है तुरपाई और हुकाई करके।